सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज क्या हो जाएगा, ए जीरो, बी वन, सी माइनस वन एंड डी नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, सो वन, क्या हो जाएगा प्राची, वन, वन, वेरी गुड। बाकी सत्यम, सर बी नंबर वन होगा सर, वन हो जाएगा ना, यस सर, चलो वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका वन, ठीक है, ये बी नंबर इसका हो जाएगा वन, आंसर में क्या हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर, अगर सपोज तो कोई नंबर है ए है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल वन अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करके वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इसको, क्वेश्चन है, मैं नीचे लिख रहा क्वेश्चन, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड माइनस फोर अपॉन 39 बी मल्टीप्लाइड be multiplied to obtain इसको सॉल्व करिए, by what rational number should minus 4 upon 39 be multiplied to obtain 25, ठीक है, minus 4 upon 39 से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किस रैशनल नंबर जो हमें क्या मिलेगा उसका ऑप्टेन क्या होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 25, ठीक है, सॉल्व करिए इसको, मैं नीचे ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है, ये आपका है 979/4, ये माइनस में हो जाएगा, बी माइनस 769/4, सी माइनस 975/4 एंड डी माइनस 265/4, सो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी, एंड बाकी लोग राहुल चौहानी, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा सत्यम, यस सर, देखो ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस फोर अपॉन 39 मल्टीप्लाइड करेंगे माइनस 975 से, ठीक है, माइनस 975 अपॉन 4 से, तो हमें क्या मिलेगा 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा
एंड 4 ये कट जाएगा एंड 39 इंटू 25 करोगे तो 975 आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस तो हमारा 25 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 9 - 975/4, ठीक है, क्लियर है वाला, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? चलो वेरी गुड, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा लास्ट क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे रूट वाला, ठीक है, तो आज भी देखेंगे उस तरह से क्वेश्चन है, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो बाकी क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बस ध्यान देना इसमें। क्वेश्चन है आज का थर्ड क्वेश्चन है ये, द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 5, अगेन रूट ऑफ 5, अगेन रूट ऑफ 5, अगेन रूट ऑफ 5 टेंड्स टू बी इंफिनिटी, ठीक है, प्लस, ठीक है, रूट ओवर 7, अगेन रूट ऑफ 7, अगेन रूट ऑफ 7, अगेन रूट ऑफ 7 एंड टेंड्स टू इंफिनिटी तक अपॉन, ठीक है, रूट ओवर 3, रूट ओवर 3, रूट ओवर 3 एंड रूट ओवर 3 टेंड्स टू इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करिए, ऑप्शन ए 35/3, ऑप्शन बी है आपका 4, ऑप्शन सी है आपका 3, ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका 2, ठीक है, सॉल्व करिए इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप एक वाला एक इंफिनिटी बना सॉल्व करना सीख जाओगे तो बाकी का क्वेश्चन भी जैसा भी रहेगा ना आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, ओके चलो वेरी गुड, प्राची आपका क्या आया, राहुल सुहानी आप लोग क्या आया सॉल्व करके,
So option B. Option B. Yes, sir. Okay. Option B. और बाकी कौन है? हाँ, राहुल, राहुल कुमार मातो और सुहानी, आप लोग बताइए, माइक ऑन करके बताइए क्या है इसका आपका सॉल्व करके, या बना कि नहीं वो भी बताइए। सत्यम, फोर कैसे आया बताइए सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। नहीं बन रहे। नहीं बन रहे। नहीं सॉल्व राहुल। नो सर। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। सत्यम आप बताओ कैसे सॉल्व किए। सर फाइव प्लस सेवन सर ट्वेल्व आया, उसके बाद सर थ्री से डिवाइड कर दिए। दोनों को एड कर दिया और रूट अंडर थ्री से डिवाइड किए। हो रहा है ना? यस सर। चलो चलो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो देखो जिसका भी नहीं बना वो ध्यान से देखना, ठीक है। कि देखो अगर ये है, इसको हम लेट मान लेते हैं, लेट, ठीक है। एक्स इक्वल टू, उसको पूरा टर्म को पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये पूरा रूट वाला जो टर्म है ना उसको एक्स मान लेते हैं, तो रूट वाला देखना, ठीक है। फाइव रूट फाइव, ये तो कितना, ये तो हमेशा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्स मान लिया, तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू यहाँ पर देखो रूट फाइव, उसके बाद यहाँ वाला टर्म देखो ध्यान से, जो आपके पास एक टर्म है ये देखो, अगर देखो ध्यान से, ये जो ये फाइव वाला है, ये वाला पार्ट, ये तो आपका एक्स हो गया ना, क्योंकि आप एक्स मान के चलो पूरा रूट ओवर फाइव का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसके बाद रूट फाइव, ये एक्स आपने माना था, ठीक है। एक्स इक्वल टू रूट ओवर फाइव, अगेन रूट ओवर फाइव, रूट ओवर फाइव, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक टर्म, ठीक है। उसके बाद क्या करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया वो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइव, और इधर ये रूट में है, ठीक है। एक्स रूट ओवर एक्स में है और इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइव एक्स आएगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, फाइव एक्स को लेफ्ट साइड में मैंने ले आया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन क्या किया मैंने, एक्स इक्वल टू x कॉमन ले लिए, x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास क्या है, तो हमारे पास एक वैल्यू क्या है, x इक्वल टू जीरो, तो हमें इसको तो लेना नहीं, एंड x इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो हमारे पास x इक्वल टू फाइव आया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये रूट ओवर को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या टर्म आना, फाइव। उसी तरह सेवन को सॉल्व करेंगे, इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेवन। तो क्या हम लिखेंगे, ये हो जाएगा फाइव प्लस सेवन अपॉन थ्री, ठीक है। ये हो जाएगा सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व अपॉन थ्री, एंड थ्री फोर जा ट्वेल्व, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आंसर बी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, समझ में आया राहुल सर? हाँ, ये एक्स का वैल्यू जीरो कैसे आया? x का वैल्यू जीरो, यहाँ पर देखो ना, आप इसको सॉल्व किया हो ना, फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई में, yes, ये वाला, yes. तो ये x इक्वल टू, अगर हम देखो, अगर ये टर्म अगर हमारे पास फाइव है, अगर फाइव को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा जीरो आएगा। मतलब क्या है, ये टर्म हमें इस इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से वाले को, ये वाले को, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन निकल के आ रहा है ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, यस सर, देखो। हाँ, तो ये दो नंबर अगर ये फाइव और जीरो यहाँ पर पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब दोनों इक्वेट हो जाएगा। इसका मतलब इसका ये क्या है, फैक्टर है, ये क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू फाइव, इसका फैक्टर है। यहाँ देखो, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं ना जीरो से, कुछ कुछ क्वेश्चन में आता है ना, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फाइव, तो हम लोग लिखते हैं ना इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और
x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास x का वैल्यू आता है ये माइनस टू इधर आ जाएगा तो क्या होगा टू, और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू फाइव, है ना, क्लियर है राहुल? यस सर। ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, नोट कर लो सॉल्यूशन। शुहानी आपका कुछ बन रहा है बताइए, माइक ऑन करके बोलिए। यस सर। बन रहा है ना, समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। चलो वेरी गुड, चलो जल्दी फटाफट से एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम है एज इट इज है, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, बस आपको सॉल्व करना है उसी के टर्म में, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, एक मिनट एक मिनट, नंबर 27 या बी एक मिनट। हाँ चलो मिल गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है आज का फोर्थ क्वेश्चन है, रूट ओवर 49/36, ठीक है, ये पूरा रूट में है, अगेन रूट ओवर 49/36, अगेन रूट ओवर 49/36 टेंड्स टू बी इंफिनिटी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, सेम प्रोसीजर, ऑप्शन है आपका पहला है 7/6 एंड नेक्स्ट है 49/6, सी है आपका 7/36 और डी है 49/36। सर ऑप्शन ए होगा, क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन ए होगा 7/6। ओके, बाकी लोग बताइए सॉल्व करिए, सो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डी। ओके राहुल आपका बताइए, सर बना रहा हूँ। अच्छा ओके, एक्स मान लेंगे 49/36, ऑप्शन ए। शुहानी आपका ऑप्शन ए आया? यस सर। ओके ठीक है, एक्स मान लिए तो ये टर्म क्या हुआ, एक्स इक्वल टू रूट ओवर 49/36, ठीक है, स्क्वायरिंग, ये एक्स मान लिए थे स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36 एक्स, ठीक है, क्लियर है, सेम प्रोसीजर, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 49/36 एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 49/36 एक्स माइनस 49/36 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो आ ही रहा था, ये क्या हो जाएगा ओवरऑल
x इक्वल टू 49/36. क्या आएगा 49/36 आंसर डी हो जाएगा. देखो कैसे सॉल्व किए, 49/6 नहीं होगा. सत्यम 7/6 कैसे है आपका? मैंने तो वही तो बोला था आपको कि स्क्वायर लेने के लिए सेम टर्म है उसी तरह सॉल्व करना है, वही प्रोसीजर है. राहुल क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर. ओके क्वेश्चन नंबर ठीक है, इसका सॉल्यूशन इसका नोट कर लो. नेक्स्ट है आपका चलो इससे ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, इससे आपको वैल्यू ऑफ एक्स का निकालना है. ठीक है, लगभग प्रोसीजर भी सेम है. इफ फिफ्थ क्वेश्चन आज का, इफ रूट ओवर 32 माइनस एक्स रूट 15 इज इक्वल टू रूट ओवर 27 प्लस रूट ओवर 5, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए -5, ऑप्शन बी -6, ऑप्शन सी -4 एंड ऑप्शन डी -2. सॉल्व करिए इसको अच्छे से. क्या आया इसका? क्या है सत्यम वैल्यू? सर अभी बना रहे हैं. हाँ बोलो, बना रहे. प्राची आपका गया ना? नो सर, बना रहे हैं. बन रहा है, सॉल्व करो. दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, हिंट कर दिया हूँ. राहुल सॉल्व करो, स्क्वायरिंग देके दोनों साइड.
अब तक बन जाना चाहिए, ज्यादा लंबा है नहीं क्वेश्चन। देखो स्क्वायरिंग मैंने बोला ना, स्क्वायरिंग करने के लिए इसको 32 माइनस एक्स रूट 15, ठीक है। उसके बाद देखो इसको इक्वल टू रूट 27 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो देखो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हमारे पास टर्म बचेगा 32 माइनस एक्स रूट 15, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट 27 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, रूट स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी, ये हो जाएगा ओवर 27 इंटू 5 कर लेते हैं ना एक साथ, ये टर्म को वैसे ही रहने दो, 32 माइनस एक्स रूट 15, ठीक है, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा 27 रूट हट जाएगा प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा प्लस, यहाँ देखो 27 है, 27 को इसको एक्सटेंड करो आप फैक्टर करो इसका, देखो क्या हो जाएगा 3 3 9, प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 3 9 एंड 9 3 27, 27 इंटू 5, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, एक मिनट सर आप क्लियर आ रहा है, अब आ रहा ना, चलो ठीक है ठीक। एक्स रूट 15 इज इक्वल टू 27 प्लस 5 32 प्लस, यहाँ देखो ये दोनों कॉमन आ रहा है ना, कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 3, तो क्या हो जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 ये, और अंदर में क्या है 3 और 5, मतलब 5 3 15 रूट ओवर 15, ठीक है। 32 माइनस एक्स रूट 15 इज इक्वल टू 32 प्लस 3 × 6 रूट 15। अब देखो ध्यान से हम इन दोनों साइड को देखो कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखो कंपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है, कंपेयर करने में देखो 32 साइन का देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, ठीक है, रूट 15 रूट 15 एक्स है, यहाँ क्या है 6, तो क्या हो जाएगा x की जगह पे हो जाएगा x इक्वल टू 6, लेकिन यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस, तो x इक्वल टू माइनस 6। किसी को कोई डाउट यहाँ पर पूछो, इजी है ना क्वेश्चन, ये भी सुहानी समझ में आया आपको? यस सर। राहुल आपको? यस सर। ओके सत्यम क्लियर है ना? यस सर। प्राची आपको? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो कोशिश करो जब रूट ओवर वाला रहता है ना, आप वहां पर स्क्वायरिंग करो सबसे पहला, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद जब आपको देखना होगा, कभी कभी रूट में क्या मिलेगा आपको, रूट में बहुत बड़ा बड़ा टर्म मिलेगा, ठीक है, 27 100 128 64। आपको क्या करना है कि बस ध्यान देना है कि क्या वो मेरा किसी के कॉमन टर्म में आ सकता है, क्या मैं उसको फैक्टर करके कॉमन टर्म में ला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्स 15 है। अगर आप इसको भी आप फैक्टर करके उसका प्राइम फैक्टर निकाल के क्या हो जाएगा, अगर रूट 15 ले आओगे तो काम बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रूट वाला में आपको स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायर रूट पहले हटाना है, रूट हटाने के बाद आप सॉल्व करोगे, और जब भी हमेशा याद रखना है, जब भी आप रूट हटाओगे स्क्वायरिंग लोगे ना, तो मैक्सिमम जगह में रूट हट जाएगा, और कुछ रूट में ऐसा आएगा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर में रहेगा, या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, या तो ऐसा भी रहेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ये ऐसा टर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ओके ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूं ना बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, नोट कर लिए इसको सॉल्यूशन, सारे लोग नोट हो गया ना। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है, देखो आपके पास दिया हुआ है, इफ इफ के फॉर्म में है एक्स क्यूब स्क्वायर, ठीक है, माइनस फाइव
क्यूबिक के फॉर्म है x प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, ये क्यूबिक के फॉर्म में है, x स्क्वायर उसके अंदर में है, क्यूबिक के अंदर में, ठीक है, रूट में, माइनस फाइव है, मल्टीप्लाई में है, ये x भी है क्यूबिक में है, ठीक है, क्यूबिक रूट में है, प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपके पास है ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ थ्री एंड x का दो वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिएगा, थ्री एंड एट, एट एंड फोर, एट एंड ट्वेंटी सेवन, नेक्स्ट है ट्वेंटी सेवन एंड फाइव. के बाद एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ सेवन, नीचे भी दे रहा हूँ सेवन. The sum of additive inverse additive and multiplicative inverse of 2 upon 3 is option A 13 by 6, option B 5 by 6, option C minus 5 by 6 and option D 4 upon 3. एक्स का वैल्यू निकल गया ना सर? हाँ बोलिए. सेवन वाला क्वेश्चन में क्या करना है? सेवन वाला में क्वेश्चन है द सम ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ टू अपॉन थ्री इज, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सम, इसका टू बाई थ्री का एडिटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन दोनों का सम क्या होगा. ठीक है, पहले बताओ इसका x का वैल्यू क्या आया प्राची, क्या है x का वैल्यू, इसका x का वैल्यू क्या आया, किसी का सॉल्व हुआ ऊपर वाला? इसको इस तरह लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का वन अपॉन थ्री माइनस फाइव एक्स का पावर में वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है. सत्यम क्या है इसका वैल्यू? सर नहीं बन रहा है. नहीं बन रहा है, ओके. प्राची आपका वैल्यू नहीं है? नो सर. ओके सुहानी आपका, आपसे सॉल्व हो गया? नो सर. चलो कोई नहीं, मैं आपको हिंट करता हूँ. आप देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो आपको टर्म यहाँ पर दिख रहा है, तो आप ये काम कर सकते हो यहाँ पर
x का पावर 1 अपॉन 3 है ना, ठीक है, इसको आप y मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो x का पावर 1 अपॉन 3 है और स्क्वायर में है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 का ये ओवर वन में, x 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इससे सॉल्व कर सकते हो ना y का वैल्यू, फैक्टराइजेशन है फर्स्ट इनटू लास्ट, ठीक है। तो क्या है मेरा 6y स्क्वायर लेना है, तो y स्क्वायर, ठीक है, 3 टू जो 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 टू द 6 एंड x square, वो भी प्लस में, उसके बाद इसको सम करो, माइनस 3x माइनस 2x, ये सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये वाला टर्म माइनस 5x, ठीक है। y का वैल्यू निकालते हैं, y कॉमन, y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x सॉरी y है ना, y, ठीक है, y, देन 2 कॉमन, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या आया मेरे पास कॉमन, y माइनस 3 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू क्या आया हमारे पास, एक 3 आया हमारे पास, दूसरा 2 आया, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में। तो यहाँ पर पुट करेंगे इस पे, ध्यान से देखो, x का पावर 1/3 इज इक्वल टू y क्या, y x का पावर 1/3, ठीक है, y का वैल्यू क्या पहला, ये 2 में पहले 3 पुट करेंगे, 3, तो यहाँ देखो 1/3 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक के टर्म में, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है, x इक्वल टू, ठीक है, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। दूसरा x अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो हमारे पास दो टर्म आया, x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 27, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया ये वाला पार्ट, कैसे सॉल्व किए। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, ठीक है, आपको क्या करना है, वहां पर भी आपको लेट लेके तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, जैसे रूट वाला सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर भी करना है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म में आ जाएगा, ठीक है, और वो भी क्यूबिक रूट में, ठीक है, उसको क्या करना है, क्यूबिक रूट को देखो मैंने क्या किया, कॉमन सूत्र को देखो क्या किया मैंने, वाई मान ली, तो वाई स्क्वायर माइनस ये, अब देखो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आ गया ना ये वाला, है ना, ये वाला देखो, ठीक है, नीचे वाला बताओ, ऊपर वाला सॉल्व कर लियोगे तो नीचे का बताओ, नीचे का तो इजी है ना, 2/3 का एडिटिव इनवर्स निकालो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये निकालने तो आता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स क्या होता है पता है ना, ये चीज सत्यम क्या होता है एडिटिव इनवर्स, बता राहुल एडिटिव इनवर्स क्या होता है, शुहानी प्राची आप लोग एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सर एडिटिव इनवर्स जो अपोजिट हो जाए लाइक 13/6 तो 6/13 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका सिंबल चेंज हो जाए, ओके प्राची आप बताइए एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राहुल
चलो कोई नहीं, देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है ना, एडिटिव इनवर्स में हमेशा याद रखना, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो जिस भी टर्म का ये साइन चेंज होता है एडिटिव इनवर्स में, तो आनी बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन आपने अपोजिट बोल दिया, आपने जो बोला एडिटिव का वो मल्टीप्लिकेटिव का है, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बोला वो एडिटिव में है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज होता है, अगर 2/3 है तो उसका साइन चेंज करके क्या होगा, माइनस उसका नेगेटिव होता है, -2/3। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, जिस नंबर है उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सम निकालना है, तो सम क्या हो जाएगा 2/3, तो इसका टर्म एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2 + 3/2, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, -2/3 + 3/2, एलसीएम 6, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, -4 + 2 × 3 = 6, ठीक है, 3 × 3 = 9, प्लस में 5/6, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लियर है। एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर है, यस सर। ओके चलो, तो ये अगर आपको एडिटिव इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पता होता तो ये सॉल्व हो जाता ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, इसका सम निकालना था, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये हो गया 7, 8 क्वेश्चन देखो, ठीक है, 8 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। पी और क्यू का वैल्यू मैं दे रहा हूं, ठीक है, इससे भी बहुत ध्यान से सॉल्व करना पी और क्यू, ठीक है। इसमें भी आप लेट लेके बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, आपके पास गिवन क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका है। इफ पी का वैल्यू है आपके पास, पी का पावर 1/2, ठीक है, रूट में है, प्लस पी का पावर -1/2, ठीक है, एंड क्यू का वैल्यू दिया हुआ है इसी तरह, क्यू का वैल्यू है t का पावर -1/2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है p² q² + 2, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ t, आपको किस टर्म में निकालना है, p² + q² + 2, p² × q² + 2, आपको t के टर्म में निकालना है, ठीक है, और p और q आपको गिवन दिया हुआ, पुट करो वैल्यू वहां पर, ठीक है। ऑप्शन में दे रहा हूं, ए है आपका 1/2 t², बी है आपका 2t², सी है आपका t² + 1/t² एंड डी है आपका t² - 1/t². सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसका p और q का वैल्यू से पुट कर देना है, उसको सॉल्व कर देना है क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करिए इसको।
आ गया वैल्यू सी स्क्वायर की स्क्वायर प्लस टू का क्या वैल्यू आया? बताइए ई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू का टी स्क्वायर में क्या है? टी वन अपॉन टू टी का पावर वन अपॉन टू प्लस टी का पावर नेगेटिव में वन अपॉन टू, ठीक है ठीक है, ये पी हो गया। क्यू क्यू में आपका क्या है? t 1/2 माइनस t अपॉन वन माइनस क्यू पावर, ठीक है। और ये क्या है? ये स्क्वायर में है, ये पूरा टर्म t और q का स्क्वायर है ना प्लस टू, क्लियर है ना ये वाला, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग भी? उसके बाद देखो ध्यान से t का पावर 1/2, ठीक है, यहाँ पर भी देखो सेम टर्म है। ये देखो a a प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में बैठ रहा है, देखो फॉर्मूला में a प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में है ना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो t का पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस t का पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और फिर उसका ओवरऑल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं t है, अब देखो क्या करना है, इसको स्क्वायर में तो ये हम लिखेंगे t का पावर 1/2, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है ना सत्यम, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, क्लियर है ना, पावर से पावर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो t का पावर 1/2 है, यहाँ पर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस t ये नेगेटिव पार्ट में है, ठीक है, 1/2 इंटू टू ओवरऑल का स्क्वायर है ये प्लस टू, ये देखो टू टू कैंसिलेशन हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या टर्म आया? टी टी का पावर वन है, मतलब वन पॉजिटिव में, माइनस टी का पावर नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है इस तरह से, और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस टू। अब देखो ए माइनस बी का इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में 1/t लिख देते हैं टी का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस टू ए बी, ये वाला पार्ट क्लियर है, देख लो किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, ये हम कैसे लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/t का हो जाएगा ना, अगर इसको ओवरऑल लिखोगे तो ऐसे लिख लो 1/t, इसका होल स्क्वायर में लिखना है, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस टू इंटू टी इंटू 1/t, ठीक है। तो ये टी टी कट गया, कैंसिलेशन हो गया, तो यहाँ बचा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस यहाँ कौन सा टर्म में था टू और वहां पर टू था, ये दोनों भी कैंसिलेशन हो गया, तो हमारे पास क्या बचा ये वाला टर्म टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। हेलो क्लियर है सत्यम? यस सर। चलो वेरी गुड। के बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, चलो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालना है इस पे। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, ठीक है, इसको नोट कर लिए सॉल्यूशन? यस सर। ओके राहुल क्लियर है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना राहुल? देखो अगला क्वेश्चन है सर, क्लियर है ना जो अभी बताए थे? यस सर। टी का पावर 1/2, चलो ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है,
इस पे आपको क्या करना है, लेट नाइन नंबर, इफ लेट प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट है नंबर थ्री माइनस नाइन अपॉन सिक्सटीन, ठीक है, उसमें से आपके पास एक नंबर गिवन है, इफ वन ऑफ द नंबर इज माइनस फोर अपॉन थ्री देन द एनदर नंबर, बताइए दूसरा नंबर कौन सा है, तो फटाक जल्दी से बनाइए इसको, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए वाला क्वेश्चन में, एनदर नंबर इज, ये हो जाएगा आपका 36 अपॉन 48, बी हो जाएगा 25 अपॉन 64, सी हो जाएगा 27 अपॉन 49 और डी हो जाएगा आपका 27 अपॉन 64, सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ओके, ऑप्शन डी बाकी लोग बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन पे, आपके पास नंबर दिया हुआ है क्या, एक नंबर है माइनस फोर अपॉन थ्री है, दूसरा मान लो एक्स मान लो, ठीक है, इक्वल टू माइनस नाइन बाई सिक्सटीन, और आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ये नंबर कौन सा होगा, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है माइनस नाइन बाई राशि नंबर का, और आपके पास एक नंबर गिवन है माइनस फोर अपॉन थ्री, ठीक है, डी ओके, ठीक है राहुल, बताओ बाकी लोग, सुहानी आप कौन सा बता रहे थे, डी ओके, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मेरे पास नाइन बाय सिक्सटीन आएगा, और सबसे पहली बात क्लियर है कि ये माइनस में है तो ऑलरेडी यहाँ माइनस में चाहिए, अगर ये टर्म माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस में होगा, तो अब एक तो क्लियर होगा कि यहाँ पर माइनस साइन होगा तो नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव कोई टर्म नहीं होगा, अब क्या करना है, देखो नाइन बाय सिक्सटीन है, ठीक है, माइनस में देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो इसका, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल से, थ्री अपॉन फोर से, तो नाइन थ्री या 27 हो जाएगा एंड 16 फोर जा 64, ठीक है, फोर बाई थ्री इंटू 27 अपॉन 64, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना नंबर, 39 जा 27 एंड 16 फोर जा 64, बाकी नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर ये वाला क्वेश्चन, चलो वेरी गुड,